अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट दिल मुराद। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में मेडिकल फील्ड के मशहूर शख्सियत मोमन सिद्दीक आरई साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनको कितना अरसा हुआ है मेडिकल फील्ड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको कितना अरसा हो गया मेडिकल फील्ड में? मुझे जनाब इस मेडिकल फील्ड के अंदर तकरीबन जो है वो 40 साल हो गए। तो इस 40 साल के अंदर आपने क्या कुछ सीखा और क्या कुछ सिखाया? इस 40 साल में ज़ाहिर है कि हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर गई है, तो हमने इसमें बहुत कुछ सीखा और आगे बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है। इसमें दो तीन मेन चीज़ें होती हैं, एक मेडिकल रैप बनने के लिए। और पहली तो बात यह है कि मेडिकल रैप से मुराद ये होती है कि मेडिकल का उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए अपनी दवाई के बारे में, जो वो एक डॉक्टर के पास लेके जाता है। अगर उसको पूरा नॉलेज नहीं है तो फिर वो डॉक्टर के पास ना जाए जब तक कि वो पूरा नॉलेज ना हासिल कर ले। माशाल्लाह। तो आपके सर कितने बच्चे हैं और उन बच्चों को कभी आपने मेडिकल फील्ड लाने का सोचा या फिर ला चुके हैं आप? अल्लाह का करम है, मेरे चार बच्चे हैं। चार बच्चों में से दो बेटियां हैं, दो बेटे हैं। छोटी बेटी और छोटा बेटा जो हैं वो दोनों मेरे डॉक्टर हैं। क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक इस फील्ड मेडिकल फील्ड से था, तो मैंने उनके लिए भी जो है वो मेडिकल फील्ड ही चॉइस किया। मेरी बड़ी बेटी जो है वो आईटी में जाना चाहती थी, तो इसलिए वो बैंकिंग में है। वो इस वक्त एज ए बैंक मैनेजर काम कर रही है। और जो बड़ा बेटा है वो भी ही मेडिकल से ही है, वो बांदी हॉस्पिटल में वो स्टोर मैनेजर के काम तौर पर काम कर रहे हैं। माशाल्लाह सर, अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप हमारे जो नौजवान नस्ल है जो इस मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या तरीक़ेकार है, वो क्या मेहनत करें, किस तरीके से वो आगे आ सकते हैं? माशाल्लाह आपने तो 40 साल गुजार लिए, तो इनको भी थोड़ा बताइएगा ताकि ये इस तरह की अपनी प्रिपरेशन रख कर और ये भी आगे बढ़ सकें। आजकल ये फील्ड जो है बड़ा बदनाम सा हो गया है। उसकी वजह यह है कि जो लोकल कंपनीज हैं, जो लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो कुछ उनमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं वो रजिस्टर्ड नहीं हैं, वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाती हैं, तो वो मेडिकल रैप्स को हायर करती हैं। लेकिन जो उनके बुनियादी जो वजूहत होती हैं, जो बुनियादी रिक्वायरमेंट होती है, उसको पूरा नहीं करती। एक मेडिकल रैप बनने के लिए कम से कम इंटर पास होना चाहिए, और वो भी प्री मेडिकल में। इंटर पास होने के बाद कंपनीज़ को चाहिए कि उसको कम से कम 6 मंथ तक उसको ट्रेन किया जाए वो किस तरह फार्मास्यूटिकल के बारे में। और फार्मास्यूटिकल में जो मेन सब्जेक्ट होता है वो फार्माकोलॉजी होता है, और फार्माकोलॉजी ही एक प्रोडक्ट पे या एक दवाई का जो मेन बेसिक होता है वो फार्माकोलॉजी पे ही डिपेंड करता है। तो उस मेडिकल रैप को कम से कम 70-80% तक जो है वो उस प्रोडक्ट की फार्माकोलॉजी ज़रूर आनी चाहिए, तब वो जाकर एक कामयाब और अच्छा मेडिकल रैप बन सकता है जो कि आगे अपनी लाइफ को एंजॉय करे। बेहतरीन। माशाल्लाह साईं की आपने बातें सुनी, तो इस तरीके से आप मेडिकल में अप्लाई कर सकते हैं।